हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 19 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम आप पढ़ रहे हैं द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम पर के यूज पर, जो पर की इंग्लिश है वो क्या क्या होती है प्रीपोजिशन। कल भी हमने आपको पढ़ाया था, आज अगला यूज है यूज ऑफ अपॉन। अपॉन मीन्स अपॉन एक प्रीपोजिशन है और ये भी पर के अर्थ में यूज होता है। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं देखेंगे। अपॉन गति व्यक्त करने के लिए पर की अंग्रेजी अपॉन आती है। अपॉन है जो, वो अपॉन का मीन्स क्या है हिंदी में, पर। अब कोई, कल तो हमने जो पर बताया था वो क्या था, मोशनलेस। इट मीन्स गति नहीं होगी, स्थिरता होगी और कोई वस्तु किसी वस्तु पर स्थिर होगी और उसके ऊपर होगी, वहां हम क्या लगाएंगे, ऑन। लेकिन आज अपॉन का जो यूज है इसका जस्ट अपोजिट है, ये उसके ऊपर होगी लेकिन उसमें क्या होगी, गति होगी। क्या होगी, गति। तो वहां हम क्या यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। गति व्यक्त करने के लिए ये, कल स्थिरता थी लेकिन आज क्या होगी, गति। बिल्ली मेज पर कूदी, जो बिल्ली है कैट है वो मेज पर कूदी, तो कूदने का मीन्स क्या है, गति हुई। कूदने का मतलब क्या है, जंप, तो गति हुई। और किस पर कूदी, मेज पर। इट मीन्स मेज के ऊपर कूदी तो गति हुई। द कैट जंप, अब पर की क्या लगाएंगे, अपॉन द टेबल। द कैट जंप अपॉन द टेबल, नहीं आया समझ में, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है, इसे ध्यान से समझेंगे। दोनों का मीन्स पर में होता है, ऑन तो होता है। मोशनलेस यानी कि स्थिरता होगी, उसके ऊपर तो होगा लेकिन स्थिरता होगी, एक जगह होगा। और अपॉन में क्या होगी, गति होगी, वहां हम अपॉन लगाएंगे। वह मेज पर कूदा, ही जंप्ड, कूद रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ही जंप्ड अपॉन द टेबल। गॉट इट, समझ में आ गया है। आगे देखेंगे यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग भी पर के लिए जो यूज होता है उसे देखेंगे। स्थान बताने के लिए पर की अंग्रेजी एट आती है। स्थान बताने के लिए, अभी आप कह रहे हैं मैं बस स्टैंड पर हूं, आई एम एट द बस स्टैंड, तो वहां पर की इंग्लिश क्या आएगी, एट। मैं घर पर हूं, आई एम एट द होम। वह दरवाजे पर है, ही इज एट द डोर, तो वह घर पर रहता है, ही लिव्स एट होम। ही लिव्स एट होम, स्थान बता दिया उसने, ये प्लेस है होम हमारा, क्या है प्लेस। वह स्टेशन पर है, ही इज एट द स्टेशन। वह प्लेटफॉर्म पर है, ही इज एट द प्लेटफॉर्म। गॉट इट, समझ में आया। जो हम ये यूजेज कर रहे हैं सभी, अभी तक जो यूजेज कराए पर के लिए, अलग अलग सेंस में अलग अलग होते हैं। ऑन और अपॉन आपको एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है, अलग है। वो ऑन स्थिरता के लिए यूज होगा, अपॉन मोशन के लिए। एक मोशन लेस और एक मोशन। एट हम कोई भी अपनी जगह बता रहे हैं, ही लिव्स एट पालेन, ही लिव्स एट कोशिकला, ही लिव्स एट मथुरा, तो ये हम बता सकते हैं। स्थान बताने के लिए अंग्रेजी में पर की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है, एट। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। राइट इट इन योर फेयर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन आपका बोर्ड में आता है, सिंसियरिटी के साथ करें। और जो वर्क है डेली, हम जो वर्क करा रहे हैं उसको अपनी फिर नोटबुक में राइट करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।